अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। अभी 4:25 हो गए हैं और संडे है, ये अच्छी चीज़ है। आप लोगों को पता है जैसा कि हैम्बर के अंदर वेदर होता है, ज़्यादातर सर्दी, आंधी, बारिश। इसके अलावा मैंने अभी तक यहाँ पे कोई और मौसम नहीं देखा, लेकिन आज शुक्र है, आज और पिछले पूरे वीक से ना मौसम काफ़ी अच्छा है, प्लेजेंट मौसम है, सूरज निकला हुआ है और उसके बाद हवा भी कम चल रही है। तो मैं जब भी कोई नई चीज़ लेता हूँ ना, तो मैं जब तक उसको पूरी तरह टेस्ट ना कर लूँ तो मेरी तसल्ली नहीं होती। अभी तक मैं ड्रोन को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर सका, तो आज का मिशन ये है कि आज हमने ड्रोन टेस्ट करना है, क्योंकि मैं अभी तक सही तरह से उसको समझ ही नहीं सका कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। आज हम टेस्ट करेंगे ड्रोन। लोकेशन पे जोसेफ भी आ गया, मैं और जोसेफ दोनों पहुंच गए हैं सेम प्लेस पे। लाइट बहुत अच्छी है क्योंकि ना ज़्यादा शार्प है और ना ही ज़्यादा डिम है, एक वो गोल्डन आर जो होता है ना तकरीबन उसके करीब करीब है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे शॉट्स आएंगे, बस दुआ करो कोई मसला ना हो। ड्रोन जो है ना, हर ड्रोन की हर कंट्री में हर कंट्री में ड्रोन उड़ाने के डिफरेंट रूल्स हैं। यूरोप में जो रूल्स हैं ना वो इतने इजी नहीं हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रूल्स हैं, लेकिन हम लोग सेफ़ हैं क्योंकि हमने सारे रूल्स फॉलो किए हुए हैं। जो इनकी सबसे मिनिमम कैटेगरी है ना ड्रोन की, वो ये आती है कि उसमें 250 ग्राम से लेस देन का ड्रोन हो, तो मेरा ड्रोन उस कैटेगरी में फॉल करता, तो इसलिए हम सेफ़ हैं। बाकी जो मज़ीद डिटेल है वो मैं फिर किसी दिन किसी वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अभी आज हमारा मेन फोकस है कि सीन्स कैप्चर करना। फाइनली काफ़ी अच्छे शॉट्स आ गए हैं, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आए हों। असल में जो है ना ड्रोन उड़ाना बहुत ही दिल जिगरे का काम है, क्योंकि जब स्पेशली पानी के ऊपर या फिर लाइन ऑफ साइट से अवे हो जाता है ना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अभी हुआ था इससे ना कि लाइन ऑफ साइट से अवे हो गया था, तो मैंने रिटर्न टू होम किया, तो वो कहते हैं कि जी विंड की वजह से रिटर्न टू होम नहीं हो सकता। तब मुझे एक मिनी हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिर स्टेबल हो गए सिग्नल और वापस आ गया। तो ये एक रिस्की काम है, अब जब कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है।